गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लास्ट क्लास में हमने चैप्टर अपना 8 रीड किया था हिंदी रीडर का। आज हम उसकी जो बुक में क्वेश्चन आंसर हैं वो आज हम फिल करेंगे, बुक एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है 8 पाठ 8 आगरा की सैर। क्या आगरा की सैर, तो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड का के। सेकंड का के जो प्रश्न है, परेश अपने परिवार के साथ घूमने के लिए कहाँ गया। परेश अपने परिवार के साथ घूमने के लिए कहाँ गया था। परेश अपने परिवार के साथ घूमने के लिए आगरा गया। इसका उत्तर क्या होगा, परेश अपने परिवार के साथ घूमने के लिए आगरा गया। परेश अपने परिवार के साथ घूमने के लिए आगरा गया। खे है हमारा, परेश ने कैसे समझा कि आगरा स्टेशन आ गया। कैसे समझा परेश ने कि आगरा स्टेशन आ गया। जब वो ट्रेन में था तब उसने जैसे ही जो आगरा का मशहूर पेठा है ना, मशहूर जो मिठाई है आगरा की पेठा, उसके जो बेचने की आवाज जब उसके कानों में पड़ी तो उसने जान लिया कि आगरा आ गया है। उत्तर होगा इसका, आगरा की मशहूर मिठाई पेठा बेचने वाले की आवाज सुनकर। कैसे पता लगा उसे, जो आगरा की मशहूर मिठाई पेठा है उसको बेचने वाले की आवाज सुनकर उसको पता लगा कि आगरा आ गया। गया है हमारा, ताजमहल का निर्माण किसकी याद में और किसने करवाया था। ताजमहल का निर्माण मुमताज महल है ना, कौन थी, शाहजहां की पत्नी थी मुमताज महल, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनकी याद में किसने करवाया था, सम्राट शाहजहां ने करवाया था। इसका उत्तर होगा, ताजमहल का निर्माण मुमताज महल की याद में मुगल सम्राट शाहजहां
जहाँ ने करवाया था। शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परेश और उसके परिवार ने फतेहपुर सीकरी में क्या क्या देखा। परेश और उसके परिवार ने फतेहपुर सीकरी में क्या क्या देखा था। फतेहपुर सीकरी में क्या है, इसका उत्तर होगा बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा और सलीम चिश्ती, सलीम चिश्ती की दरगाह। क्या क्या देखा था, बुलंद दरवाजा और सलीम चिश्ती की दरगाह। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, पाठ के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो हमारे चैप्टर में है उसके अनुसार हमें क्या करना है, खाली स्थान जो है उनको फिल करने हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। परेश की खाली स्थान परीक्षाएं समाप्त हो गई थी, ब्रैकेट में लिखा हुआ है वार्षिक और अर्धवार्षिक। कौन सी परीक्षाएं समाप्त करके गया था, हमारे चैप्टर में है इसमें अर्धवार्षिक परीक्षाएं समाप्त हो गई थी। कौन सी परीक्षाएं हो गई थी, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक नेक्स्ट है, ताजमहल विश्व के खालिस्तान आश्चर्यों में से एक है, सात या आठ। कितने आश्चर्यों में से एक है, सात आश्चर्यों में से। सात आश्चर्यों में से एक है। गए है हमारा ताजमहल खाली स्थान, ताजमहल खाली स्थान संगमरमर का बना है, सफेद या लाल। सफेद संगमरमर का ताजमहल, सफेद संगमरमर से बना हुआ है। घर है बुलंद दरवाजा का निर्माण खालिस्तान ने करवाया, शाहजहां ने या अकबर ने। किसने करवाया था, अकबर ने। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। सलीम चिश्ती की दरगाह खालिस्तान दीवारों से घिरी है, नालीदार या जालीदार। जालीदार जो दरगाह है वो चारों तरफ से जालीदार दीवारों से घिरी है, जालीदार। अब हमारा पेज नंबर 58 पर क्वेश्चन है, इन शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। हमें शुद्ध करके लिखना है, ये शब्द दिए गए हैं उनको कैसे लिखना है, शुद्ध करके लिखना है। पेज नंबर कौन सा है, 58 का के, इसमें लिखा है मशहूर। मशहूर नहीं होता, क्या होता है, मशहूर, बड़े ऊ की मात्रा लगती है, ये राइट है हमारा। खे है अरक्षित, अरक्षित नहीं होता, आरक्षित। आरक्षित राइट है। अत्याधिक, अत्याधिक नहीं होता है, गलत है ये, अत्यधिक।
अत्यधिक। नेक्स्ट है टिकाऊ। टिकाऊ टिकाऊ होता है टिकाऊ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में से अंग्रेजी के 6 शब्द चुनकर लिखने हैं हमें। अंग्रेजी के 6 शब्द चुनकर लिखने हैं, कौन से हम लिखेंगे? मैंने एक लिख दिया ट्रेन, है ना, हमारे चैप्टर में है ट्रेन। दूसरा लिख दिया टिकट, ये अंग्रेजी के शब्द हैं। तीसरा लिख दिया टैक्सी, चौथा लिख दिया होटल, पांचवा लिख दिया प्लेटफॉर्म, और छठा लिख दिया रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 58 पर। अब 4 क्वेश्चन है, बोलते समय जब हम रुकते हैं तब इसके लिए संकेत या चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हमें विराम चिन्ह लगाने हैं, अल्पविराम, पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, ये सब हमें इसमें लगाने हैं। मुझे रात भर नींद नहीं आई, इसमें लास्ट में हमें क्या लगाना है? पूर्ण विराम लगाना है। फिर है ताजमहल एक ऊंचे चबूतरे पर बना है, इसमें भी लास्ट में हमें पूर्ण विराम लगाना है। मम्मी ने दालमोठ पेठा और सोहन हलवा खरीदे, दालमोठ और पेठा इनके बीच में हमें क्या लगाना है? अल्प विराम कॉमा, अल्प विराम लगाना है और लास्ट में पूर्ण विराम। क्या तुमने ताजमहल देखा है? ये प्रश्नवाचक क्वेश्चन प्रश्न है, प्रश्नवाचक है, इसमें चिन्ह लगेगा। क्या तुमने ताजमहल देखा है के बाद में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। नहीं, मैंने ताजमहल नहीं देखा, नहीं के बाद हम क्या लगाएंगे? अल्प विराम लगाएंगे यानी कॉमा लगाएंगे, फिर लास्ट में पूर्ण जो पूर्ण विराम है उसको हम लगा देंगे। 5 क्वेश्चन है, जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाना है। रात में मिलते जुलते अर्थ वाला शब्द रात्रि, शाम या अंधेरा। रात्र, रात से मिलते जुलते शब्द वाला कौन सा शब्द होगा? रात्रि। जो रात्रि है फर्स्ट ऑप्शन, उस पर हम टिक कर देंगे, ठीक है। छोटा शब्द का विलोम, छोटा का विलोम क्या हो जाएगा? ये हम सबको पता है, छोटा का बड़ा। बड़ा जो थर्ड ऑप्शन है इसका, उस पर हम राइट का चिन्ह लगा देंगे। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह नहीं लगा है। पापा ने सारा सामान बांध लिया, फिर पूर्ण विराम लगा है, ये सही है। मेरी सीट खिड़की के पास थी, इसमें पूर्ण विराम लगा है, ये भी सही है। फिर है परेश कहाँ घूमने गया था, कहाँ घूमने गया था, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए, तो ये चिन्ह नहीं लगेगा। हमारा जो गे का थर्ड ऑप्शन है उस पर हम टिक करेंगे, क्योंकि इसमें ये चिन्ह नहीं लगेगा। तो ये हमारी बुक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।